प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों से निकलकर मतदान किया है, जो एक बदलाव की ओर इशारा करता है। यहाँ का हमारा नौजवान इनको चैलेंज कर रहा है, जिन नौजवानों के इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, वही नौजवान इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। साथियों, इन तीन खानदानों के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो भोगा है, जो तकलीफ सही है, वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता। आज वादी का जो नौजवान 20, 25, 30 साल का है, उनमें से कई पढ़ाई लिखाई से महरूम रह गए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 10वीं, 12वीं या कॉलेज तक पहुंचने में देश के बाकी बच्चों से ज्यादा साल लगे। ये इसलिए नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवान फेल हुए, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के तीन खानदान फेल हुए थे। इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाइयों तक नफरत का सामान बेचा है। कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए, वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिकती थी। आप वक्त याद करिए, जो स्कूल कॉलेज बच गए, वहां भी कई कई महीनों तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी। हमारे नौजवान स्कूल कॉलेज से बाहर थे, पढ़ाई से दूर थे, और ये तीन खानदान उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश रहते थे। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल बर्बाद किया है।